पंजाब यूनिवर्सिटी के सैनेट के इलेक्शन लेके लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि जेकर कहा जाए तो पिछले 6 महीने पहला ही जी सैनेट के इलेक्शन होनी चाहिए सी, पर 6 महीने बीत चुके हैं, सैनेट की इलेक्शन जी नहीं होंगी हुई नज़र आई, जिसके चलते अगर सत्त की गल करिए तो उन्होंने वालों जरूर एक प्रोटेस्ट किया। दूसरे पासों SFS भी जो प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। सरन SFS तो संदीप जी मौजूद ने। संदीप जी, अगर आप गल करिए सैनेट इलेक्शन की, तो की समझते हो कि क्यों नहीं करवाई जा रही, क्योंकि सैनेट इलेक्शन जी कराने जरूरी है, जिसके चलद कितने ना कि प्रशासन सारा काम करता हुआ यूनिवर्सिटी नज़र आता। ये दो चीज़ा ने, एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जी एजुकेशन पॉलिसी 2010 लागू की है, वह एजेंडा कि सारी पावर्स जी सेंट्रलाइज की जाए, तो उस के तहत जो यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ सैनेट है उन्होंने भंग करके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अपॉइंटमेंट होंगी है, वो BJP RSS तो जिदा VC तो लैके वार्डन तक DSW सारे BJP RSS या ABBP देने, तो वो सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। वो जुड़ी हुई गल है कि कारपोरेटाइजेशन, कि जो अपॉइंटड मैंबर होंगे तो अपॉइंटड मैंबर बहुत बड़े पद्धर से फीसा वधा देंगे, तो यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्गी बन जाती है, तो वो जी पब्लिक यूनिवर्सिटी की एसेंस है कि इतने मॉडर्नाइज सैक्शन तो पढ़ सकता है, एक्सेस अफोर्डेबल जी एजुकेशन होनी चाहिए है, वो उपर हमला कि लगातार फीसा वधनगियां, सारा वह प्राइवेटाइजेशन होएगा। तो यह दो सेंट्रल एजेंडे ने, एक सेंट्रलाइजेशन ते नाल दे नाल प्राइवेटाइजेशन कारपोरेटाइजेशन ते नाल भगवाकरण, तो वो एजेंडे के तहत ही सैनेट के इलैक्शन जिहड़े हैगे ने पिछले लंबे समय तो करवाए नहीं जा रहे, 6 महीने पहला हो जाने चाहिए सी लेकिन हले भी नहीं हो। अगर गल की जाए जिवें तुसीं कहा कि फीसां वधणगियां, होर सब कुछ चीज़ां जिहड़ियां वधदियां होईयां जो नज़र आणगियां, तो लगता नहीं कि पंजाब दे विचों जिहड़े कि लोग ने मध्य वर्ग के ने इत्थे आके पढ़ते ने, पढ़ाई करके अपना जिहड़ा रोज़गार जरूर चुनते हैं, कितना कितना उन्होंने धक्का जरूर लगता हुआ नज़र आएगा। हालांकि पूरे देश भर तो जेकर कहा जाए तो जरूर इत्थे पढ़न जिहड़े बच्चे आते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम देखो कि सैन तुम पिछले अगर धरने देखो तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होएगा तो वो कोई सुनवाई नहीं होनी, सैनेट के फिर भी ज़्यादा मैंबर होने करके अलग अलग ग्रैजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आते हैं, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बंदे आते हैं, तो वो स्टूडेंट भी पार्टीसपेट कर सकता इलेक्शन के, तो वो एक थोड़ी बहुत से हैगी आ कि मतलब सैनेट के कमियां है काफ़ी, उन्होंने सुधारन की बजाय सैनेट को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैनेट वो स्ट्रक्चर है जिदे पंजाब यूनिवर्सिटी के उपर पंजाब का क्लेम भी बनता कि अगर सैनेट ही खत्म होगी तो इन्हें सेंट्रलाइजेशन वाल बदना काम, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के उपर पंजाब का क्लेम आ इतिहासक तौर पर कि जो यूनिवर्सिटी बनी है पंजाब की धरती से पंजाब के पुआधी पिंडों जाड़ के बनी हुई यूनिवर्सिटी है, तो अगर ये सैनेट खत्म होंगी है तो इतने BJP RSS का गलबा तो बदना ही बदना, ये पर पंजाब का जो इतिहासिक क्लेम है वो भी खत्म होगा, तो ये चौतरफा अटैक है। जेकर पंजाब की गल करते पंजाब में कई ऐसे पोलीटिशियन ने जो इतने पढ़ के गए ने बड़े बड़े अहदे जोड़े जूर लेंदे हुए नज़र आए हैं, चाहे वह प्रधान की गल करे, चाहे MLA की गल करे, चाहे मंत्री की गल कर लीए, तो जरूर इसी पंजाब यूनिवर्सिटी देन है जोड़े वो उस जगह के उत्ते बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। लगता नहीं कि पंजाब में भी दखल देना चाहिए क्योंकि कुछ हिस्सा जो है पंजाब सरकार भी जी यूनिवर्सिटी दिंदी हुई नज़र आती है, मतलब आम आदमी पार्टी तो होर जिन्नी पिछलियां सरकारां भी रही उन्होंने नाकामी रही है कि इन्होंने मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सॉरी पंजाब सरकार का जो पंजाब का CM है वो एक्स ऑफिशियो मैंबर है सैनेट का, उन्होंने कदे भी नुमाइंदा मीटिंगां दे विच भी नहीं पहुँचता है, ये एक शर्म की गल है कि एक पासे तो मलविंदर कंग चीख चीख के कहें ने कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की आ साड़ी है, असं बहुत कुछ करा फंड देवे, लेकिन थोड़ा बंदा इतने मीटिंगा चाह पहुँचता नहीं है, ना तुम ढंग फंड देंगे हो तो ना तो यूनिवर्सिटी को बचाने वास्ते कोई कोशिश हो रही है, पिछले 6 महीने तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो कंग जी कितने ने, भगवंत मान जी कितने ने, तो उन्होंने इंटेंशन नहीं हैगी, अगर जेडे इतने यूनिवर्सिटी के पढ़े ने जेडे यूनिवर्सिटी में प्यार करते हैं अलग अलग पोलीटल पार्टियां वाले हो गए, चाहे स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन या कोई भी ऑर्गनाइजेशन जुड़े जो पंजाब चाहता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की बने, तो वो उन्होंने ये संघर्ष के आना चाहिए। अगर हिस्से की गल की पंजाब दे विच पंजाब किन्ना यूनिवर्सिटी में हिस्सा दिंदा, तो सेंटर का किन्ना हिस्सा जो यूनिवर्सिटी में आता, मतलब पहला 60-20-20 सीगा, वो तो बाद 60-40 होया, तो मतलब हिस्सा लगा हिस्सा जिन्ना भी है, लेकिन वो जी मसला है कि पंजाब सरकार फंड ही नहीं दे रही, ना पंजाब सरकार दे रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो ज़्यादा इन्हों का ध्यान जोड़ा है कि नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करके फीसा तो ज़्यादा उगराही इकट्ठी की जाए, मतलब तुम यकीन करो कि जी एग्जामीनेशन फीस है कल्ले एग्जामीनेशन कंडक्ट करवाने के लिए 50 करोड़ रुपया पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो इकट्ठा किया जाता है, वो कोई ज़्यादा एड्डा खर्चा भी नहीं होंगे, लेकिन फिर इवैल्यूएशन के राही उगराही इकट्ठी की जाती है, तो लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी के जोड़े स्टेक होल्डर ने उद्दे उपर हमले किए जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन के थ्रू तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू।
मगर थोड़े साथी साथ वाले खुद कहते हैं कि पैसे जोड़े ने सेंटर वालों दिए जा रहे हैं, पंजाब सरकार भी देंदी हुई नज़र आ रही, तुम तो सरेआम कर रहे हो। नहीं नहीं, पैसे देंदे होंगे, बट असल चो है कि किन्ने पैसे देंगे, मतलब तुम पूरे बजट अगर देखो तो 800-900 करोड़ का बजट हैगा, वो 50 करोड़ भी मस मुश्किल न देंगे, तो तुम फंड पैसा दो तो क्लेम भी तो ता ही बनेगा थोड़ा, तुम वो भी पैसा दो एक अलग मसला, लेकिन तुम क्लेम तो कर लो आके। मलविंदर कंग जो पहले असी सैनेट के उपर धरने उपर बैठे, बहुत देर प्रोटेस्ट चलिया, 2 महीने प्रोटेस्ट चलिया, तो उस तो बाद जाके वो जबान खुली कि नहीं नहीं असी तो पंजाब लिए बहुत सुहिरदा, जो एक मूवमेंट बन गई, मूवमेंट बनने तो बाद वो बोल रहे हैं, हूँ मूवमेंट असी खड़ी करनी है हले बोल भी नहीं रहे। हूँ तो MP बन गए, रुझेवे बहुत हो गए, लगता है भी हूँ ध्यान देंगे। नहीं, MP बन गए ठीक है, लेकिन तुम लोगों की जी हकूकी डिमांड है, पंजाब नाल सीधी जुड़ी डिमांड है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की आ, चंडीगढ़ पंजाब, कदों गल करोगे, तुसी गल नहीं कर रहे नाल, थोड़ी एजुकेशन थोड़े बच्चे अगर इन्नी प्राइवेटाइजेशन होएगी तो ये जो सैनेट खत्म होएगी तो बच्चे पढ़ पाएंगे इतने आके, नहीं पढ़ पाएंगे। लगता नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा फायदा चक्कन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी नाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधी जी गल है कि इतने सी होर जिहड़ियां आले दुआले यूनिवर्सिटियां खुलियां ने उन्होंने मतलब प्रमोट करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी डुबाने के लिए, तो इन होर मोर प्राइवेट करने के लिए ये सारा प्रोसैस जो है वो किया जा रहा। अगर स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन की गल करिए तो जीती हुई पार्टी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਤਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।